दोस्तों कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माता दी। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों चाहे मर जाना लेकिन दोपहर के समय ये 5 काम कोई भी कितना भी बोले लेकिन आप कभी भी मत करना। दोस्तों दोपहर के समय जो व्यक्ति ये 5 काम करता है उसके घर में पनौती आ जाती है, उसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अक्सर कई लोग सुबह को छोड़कर दोपहर में पूजा पाठ करते हैं जो कि शास्त्रों में घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसे व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है और दोपहर के समय बुरी शक्तियों का वास होता है। ऐसे में जब आप दोपहर के समय पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा प्रेत को चली जाती है अर्थात बुरी शक्तियों को चली जाती है। कहा जाता है कि ऐसी पूजा का फल किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता बल्कि घर में नकारात्मकता का साया अपना वास बना लेता है। महालक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है। पूजा पाठ आपको दोपहर में तब करनी चाहिए जब शुभ मुहूर्त हो। ऐसे में हम ये जानते हैं कि दोपहर के समय कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिसे शास्त्रों में कतई मना किया गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात, दोपहर के समय घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि दोपहर के समय साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है तो इसलिए आप झाड़ू पोछा सुबह के समय ही कर ले। कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करते हैं और जब आप सुबह को ना छोड़ करके दोपहर को सफाई करेंगे दोस्तों, झाड़ू पोछा अगर आप दोपहर के समय करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे घर में देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से अपना वास बना लेती है और घर को धन धान्य से भर देती है। दोस्तों दूसरी बात, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दोपहर के समय स्नान करने से अच्छा है सुबह के समय स्नान करना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह को स्नान करता है तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। दोपहर के समय नहाने से मनुष्य को किसी भी तरह का लाभ फल व बल बुद्धि प्राप्त नहीं होते। दोस्तों तीसरी बात, दोपहर के समय किसी वीरान इलाके में नहीं जाना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रही होती है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगहों पर दोपहर के समय कभी नहीं जाना चाहिए, इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को दोपहर के समय सूर्य की किरणें नहीं देखनी चाहिए, ना ही तपती धूप में निकलना चाहिए। इससे होने वाले शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को सुबह की धूप लेनी चाहिए, ना के दोपहर की। दोस्तों पांचवी बात, गुरु पुराण में बताया जाता है कि दोपहर के समय जो व्यक्ति नहाने से पहले भोजन ग्रहण करता है तो वो भोजन प्रेत आत्मा को चला जाता है जिससे व्यक्ति पर पूरे दिन भर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति नहाने से पहले भोजन ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति सुख समृद्धि सभी तरह की सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। ऐसा व्यक्ति पापी अर्थात नर्क की यातना भोगता है। तो ये है वो काम जो आपको दोपहर के समय नहीं करने चाहिए। इसी के साथ कुछ काम ऐसे हैं जो आधी रात के समय आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप भी रात होने से पहले ये काम नहीं करते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। खासकर आधी रात के समय ये काम आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर एक, प्रेम संबंधों के लिए वैसे तो कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है परंतु खास तौर से रात का समय इन कामों के लिए अशुभ माना गया है। आपको बता दें प्रेम की लालसा और इच्छुक भावनाएं रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ती है और आनंद भी कई गुना मिलता है। लेकिन 12 बजे से और 3 बजे तक प्रेम संबंध बनाना चाहिए और इसके बाद का समय इन कामों के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। जितना जल्दी हो सके प्रेम संबंध बनाने के लिए 3 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं क्योंकि सुबह 3 बजे के बाद का समय शुभ मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्तियां हमारे आसपास मौजूद रहती है। ऐसे समय में भगवान की आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ तथा आरती की जाती है। दोस्तों नंबर दो, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति देर रात तक बिना किसी मुहूर्त के पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी पूजा प्रेत आत्मा को चली जाती है अर्थात ऐसी पूजा का कोई भी फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होता।
माना जाता है कि देर रात के समय पूजा पाठ करने से बुरी शक्तियां घर की ओर आकर्षित होती है, इसीलिए मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करना चाहिए या रात होने से पहले यानी रात 11 बजे से पहले पूजा पाठ कर लेना चाहिए। रात 11 बजे के बाद अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वो पूजा तांत्रिक मानी जाती है, ऐसी पूजा मनुष्य को बर्बाद कर देती है। दोस्तों नंबर 3, बड़े बुजुर्गों ने इस बात को कई बार दोहराया है कि रात में सोने से पहले हाथ पांव और मुंह धो लेना चाहिए, नहीं तो खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने पर व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, ऐसे में आपके ऊपर दोष लगते हैं। बगैर हाथ धोकर अगर आप बिस्तर पर लेट जाते हैं तो पूरे घर में बीमारी को बढ़ावा देने के बराबर है, इसीलिए आप सतर्क हो जाइए। दोस्तों नंबर 4, एक सुखी जीवन जीने के लिए हमेशा परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात को सोने से पहले आपको दूध जरूर पीना चाहिए और ये काम आप सोने से आधा घंटा पहले ही कर लें। रात के समय रोजाना हल्का गुनगुना दूध पीना शरीर के लिए अमृत के समान माना गया है, इसीलिए आप बिना दूध पिए मत सोएं, क्योंकि इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों नंबर 5, आप सोने से पहले अपने दिन भर का आकलन कर लें कि आज आपने क्या किया, क्या गलत किया और क्या नहीं करना चाहिए था। ये सब बातें रोजाना सोने से पहले अपने पूरे दिन का आकलन करना बुद्धिमता कही जाती है, इससे आपको अपनी गलतियों और बुराइयों का पता चलता है। आप ये काम जरूर करें और फिर सुबह की शुरुआत ठीक तरीके से करें। दोस्तों नंबर 6, विज्ञान ने पूरी तरह से दावा कर दिया है कि अगर बीमारियों को घर से दूर भगाना है तो रात के झूठे बर्तन और नल से टपकता हुआ पानी कभी किचन में ना होने दें। ऐसा करने से भयानक कीड़े मकोड़े का बसेरा हो जाता है। कीड़े मकोड़े बर्तनों पर अपनी बीमारियों की छवि छोड़ जाते हैं, जिसके कारण पूरा घर बीमारी की चपेट में आ जाता है। वास्तु दोष भी इसी कारण से उत्पन्न होते हैं कि घर में आजकल महिलाएं रात को झूठे बर्तन छोड़ देती हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि इससे पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहता हुआ पानी और किचन में झूठे बर्तन कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि झूठे बर्तन भी मनुष्य को श्राप देते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली जाती है। दोस्तों रात के समय पेड़ पौधों में पानी भी आपको नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि इस समय पेड़ पौधे सो रहे होते हैं, ऐसे में आपको उन्हें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको पुण्य की जगह पाप की प्राप्ति होती है। घर में बरकत चाहते हैं तो रसोई में उपयोग होने वाले दूध, दही और प्याज, ये वस्तुएं सूर्यास्त के समय किसी को ना दें। रात में सोने से पहले अपने सोने के कमरे में आपको कपूर जलाना चाहिए, इससे रात में बहुत अच्छी नींद आती है और सभी तरह के तनाव भी खत्म हो जाते हैं। रात में सोने से पहले हमें उन बातों का ध्यान जरूर करना चाहिए जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, ऐसे करने से हम जो चाहते हैं वो जरूर पूरा होता है। आपने सुना भी होगा दोस्तों, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, इसीलिए दोस्तों आपको रात को सोने से पहले सभी सकारात्मक चीजों को जरूर सोचना चाहिए जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ भी गलत आपको सोचकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, आप हमेशा वही सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, तभी वो आपके जीवन में आपको जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।